जो आज की हमारी पहली स्पीकर है वो पंजाब की पहली महिला कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। भट्टल जी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, इलेक्शन लड़ने से लेकर चीफ मिनिस्टर बनने तक। बिसाइड्स होल्डिंग सच प्रोमिनेंट पोजीशंस इन द कैबिनेट, शी इज एन एक्सट्रीमली हम्बल एंड ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग हु हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ रूरल पीपल स्पेशली फार्मर्स रिसीव फ्री इलेक्ट्रिसिटी। She has won elections 6 times. She is also the 8th female chief minister in our Indian history. आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। Yes, Miss Rajinder Kaur Bhattal. So let's welcome our first speaker. Welcome, Bhattal ji. Bhattal ji, मैं चाहती हूँ कि जो आज हमारा title है, Changing Female Landscapes in the New Normal. पोस्ट कोविड 19 के बारे में आप हमारे साथ कुछ अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करें। भट्टल जी, भट्टल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भट्टल जी, थैंक यू भट्टल जी फॉर कमिंग। प्लीज आप बताइए आपकी क्या क्या हमारे साथ आप आज शेयर करना चाहती है, हमारी महिलाओं के साथ और हमारे साथ। थैंक यू, दो बात के लिए मैं चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू आर इनिशिएटर टू ऑर्गेनाइज। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बार्निकी इशू टुडे। सो सेकंडली आई मस्ट अप्रिशिएट आवर जो पार्टिसिपेंट्स आई हैं, जो हमारी अपनी की स्पीकर्स आई हैं, इसके बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस लेकर के, तो दे आर वेरी फेमस एंड उन्होंने कुछ ना कुछ अपना जलवा और अपनी काबिलियत दिखाई। नाउ आई एम कमिंग टू द टुडेस पॉइंट। तो मैं इसमें दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। मैं हाउस वाइफ से लेकर औरत का आज के कोरोना के युग में देश की हेड होने तक का रोल जिसने एक मिसाल पैदा की है, मैं उसके बारे में दो तीन बातें करती हूँ। हाउस होल्ड में पहले सोचा जाता था कि औरत घर में बैठी अकेली काम करती है और अकेली रहती है। अब हमारे भाइयों को ये मालूम हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो बाहर नहीं जा पाए, घर में रहना पड़ा। जब देखा कि सुबह से लेकर घर साफ, बर्तन साफ, बच्चों को जो ऑनलाइन उनकी ट्यूशन देनी, उनका खाने पीने का, उनकी सफाई का, सैनिटाइजेशन कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है, राशन कैसे लाना है, ये मालूम हुआ कि ये औरत का हाउस होल्ड है जो विदाउट गेटिंग एनी पे शी जस्ट डूइंग ऑन ऑब्लिगेशन। उसको खाने को मिलता है, उसका घर है, घरवाली है, जिम्मा मिल जाता है, लेकिन वो औरत अपने आप को अपना आराम छोड़कर, अपनी सोच छोड़कर, अपना खाना छोड़कर अपनी फैमिली के लिए दिन रात कैसे अपनी ममता लेकर, अपनी ड्यूटी लेकर करती है। वेरी डिफिकल्ट काम था जिन हमारे लोगों ने देख लिया। अब उसको थोड़ी देर के लिए भांडे बर्तन साफ करने पड़े। ये तो है एक औरत का, इसका घर घर तक किया। तीन तीन टाइप के, तीन लेवल्स के औरतों का काम बताती इस कोरोना। और दूसरा है हमारा जो वर्किंग वूमेन्स है, जिसमें हमारी लड़कियां बाहर का काम भी करती हैं। अभी हमारी जो राशन देने की बात है, कोरोना के समय में लॉकडाउन आने के घरों में जाकर राशन बांटना है, अपनी जिंदगी भी उसको लेकर वो अपने घरों में गई है, लोगों के घरों में गई है, उनको संभाला गया है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। बच्चों के और लोगों के बीच में से होगा और अपने कैसे इस कोरोना में अपनी जिंदगी बिताई, ये भी किसी तरीके से कम नहीं है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि जैसे हमारी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आ रही हैं, हमारी डॉक्टर्स भी मुझे अच्छा लगा है, सारी बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, कैसे कहीं पे जाम रखकर चली है, किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों को बहुत बहुत दिन तक देखा नहीं, किस तरीके से अपने मुंह में मास्क लगाकर आधा सांस लेकर लोगों के लिए जी है, ये जी कर दिखाया है, चाहे वो अपनी एयरलाइन में हो, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे किसी और लाइन में हो, सबने ये इस प्रोफेशनल काम में जो मिलता था उसमें भी इन्होंने कमाल करते थे। इससे भी आगे जैसे मैंने कहा कि हाउस वाइफ से लेकर कंट्री हेड तक, आज आई रियली फील प्राउड कि हमारे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, 6-7 कंट्रीज जिनकी औरतें जा तो की रोल पे, की पोजीशन पे जा हेड थी उन कंट्रीज की, वो उन अपने मुल्कों को उन्होंने अपनी शर्त से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इस्तेमाल से, अपनी जिम्मेवारी से जो निभानी थी उनसे उन्होंने कोरोना मुक्त करके रखा, जिसमें से जर्मनी भी आता है और हमारे यूपी भी आ जाते हैं, छोटे छोटे आइसलैंड आ जाते हैं, न्यूजीलैंड आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, काफी आ जाते हैं।
Sometimes people are saying कि ये तो छोटे बच्चे हैं, ये भाई जब ये बुजुर्ग छोटे हैं, तो उनकी जो financial capacity वो भी छोटी होगी। लेकिन आप उनके कमाल देखिए, इतने बड़े बड़े मुल्क जिनके पास इतने resources हैं, इतना काम है, इतनी technology है, वो नहीं अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं, जितना हमारी ladies ने मुल्कों में करके पा रही है। तो ये तीन लेवल पे हमारी बहनों ने बहुत अच्छा कमाल का वो काम करके दुनिया को दिखाया है कि औरत उसमें ममता है, प्यार है, नाजुकता है, लेकिन हार्ड वर्क भी है उसमें, शक्ति और लड़ने की पावर भी है, और वो हर काम करके दिखा सकते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस जिससे मुझे थोड़ी सी मिला, उसमें लड़कियों को फील्ड में ठीक पोस्टों पर नहीं लगाया जाता था, ये कह करके लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन नरेंद्र जी उस वक्त इनिशिएटिव लेकर उनको की पोस्टों पे एसडीएम, डीएसपी और पोस्टों पे, और हमारी जैसे स्टेट लेवल की पोस्टें दी हैं, और आई एम रियली फील हैप्पी एंड आई एम ग्लैड टू दे आल्सो आई फील प्राउड कि उन्होंने कैसे कमाल का काम करके दिखाया हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने, कि दूसरे कंपैरेटिवली दूसरों के साथ बहुत अच्छा किया, जिससे और उनका रोल जो घर से शुरू होता है मुद्दे तक जाता है, किस किस तरीके से अपनी स्टाफ से काम करती हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं दी। इसको एप्रिशिएट करना बनता है, कोई देश में माने या ना माने, लेकिन दिल से वो कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं और करना पड़ रहा है, उनके दिल को करना पड़ रहा है, मैं भी एप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये बातें हैं मेरी, और जैसे आपने कहा कि मेरे को वक्त मिला, तो मैंने उस वक्त पे भी ऐसे सोचता कि किस तरीके से, क्योंकि मैं तो पंजाब जो हमारी एग्रीकल्चर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, इसमें हम रहने वाले देश की बास्केट में जिन्होंने नाश दिया पूरा किसानों ने, उसके स्टेट के लेवल पे मुझे उस डिपार्टमेंटों का एज मिनिस्टर भी, नॉट ओनली एज चीफ मिनिस्टर, एज मिनिस्टर भी मुझे काम करने का मौका मिला, डेवलपमेंट में काम करने का मौका मिला, हेड होने का पोस्ट का मौका मिला। उन्होंने मैं भी क्योंकि एक औरत थी, मेरा भी एक काम था, मैं भी नई आई थी, मेरे पास उसको तजर्बा नहीं था, मैं भी इससे मुझे परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जिन बातों के लिए आज सरकारें उलझी पड़ी हैं, वो बातों का भी पत्थर उस वक्त मैंने रखा। आई कैन से आई कैन गिव एन एग्जाम्पल कि जिस वक्त मैं आई, मैंने सोचा कि किसानों की स्टेट है, तो किसानों की स्टेट को मैंने उस वक्त लोएस्ट जो हमारे गरीब लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, उनका कर्जा नहीं, उनके बैंक पर ट्यूबवेल के कनेक्शन 5 एकड़ के नीचे वालों से बात करने का फैसला लिया, गवर्नमेंट ने पढ़ा हुआ आया था, लेकिन सॉरी टू से उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने सभी के कर्जे माफ कर दिए। एक बहुत बड़े वीर आदमी ने जिसने नामी बेनामी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उसमें हमारे लोअर्स जो कैटेगरी के लोग थे वो सारे के सारे आ सकते थे, इतना बड़ा कर्जा बड़े लोगों का माफ करने से वर्ल्ड बैंक ने सोचा पंजाब को बहुत वीर स्टेट कर दिए, तो उन्होंने नुकसान बचाया, उनको चलाना नहीं आया या नीयत सही नहीं थी। मैं कोई पोलिटिकल बातें नहीं करने आई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमें कौन कौन सी तरीके से कुछ कुछ करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने उस वक्त ये भी लिया कि आज नेचुरल कैलमिटी के कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है किसानों का, जो गरीब उसके पास तो उतनी जमीन है, वो जमीन उसने बाही किसी को उधार से लेकर बाही, वो कुदरत ने काम कर दी, तो वो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से उनको देगा जिनके जिनकी जमीन बाहर है, वो रोएगा, वो खुदकुशी करेगा जो आज कर रहा है। तो उस स्टेज के लिए मैंने किया था फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कर्जे की शुरुआत मैंने फर्स्ट टाइम की थी, उनका कर्जा भी और उनकी जो बिल माफ करने की, उसी तरीके से मैंने उनकी जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, वो छोटे लोगों की क्रॉप इंश्योरेंस जिनका वो नई किस्तें दे सकते, वो सरकारी खर्चे में करने की शुरुआत किया, ये मैंने भी पत्थर उस पत्थर किए। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज आपने समय जो छूट दिया है कोरोना के लिए, औरत लड़ती है और लड़ेगी और जीते, इसमें मुझे कोई शक नहीं, डाउट नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि इस बीमारी को भी हमने मार पाना है, किस तरीके से पाना है, हम अपना रोल आपके होकर भी निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भटल जी, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो औरत के बारे में कहा कि कितने रूप हैं और वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुँच गई है आज इंडिया में और बाकी देशों में भी, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो भट्टल जी एक क्वेश्चन था आपके लिए हमारे पास, तो हम ये जानना चाहते हैं भट्टल जी कि इस आपदा के दौरान तो किसान क्षेत्र में काफ़ी सराया किसानों को काफ़ी सराया गया है और उत्पादन काफ़ी संख्या में आया है, तो आपके राय में इस क्षेत्र में सरकार को और कोई कदम उठाने चाहिए
सरकार इन किसानों को कैसे बचा सकती है इस आपदा से, आपका क्या राय है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया समथिंग टू स्टेट हमारी स्टेट के लिए। एक तो मैंने किया क्या, ये इसकी बात आप कर रही हैं, रुकिया मुझे आई अगेन बी प्राउड कि करने का मौका जो मिला उस वक्त हमारी हमारे लोगों को ज्यादा मिला। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, मेरे से पहले किसी ने उनके पानी के बिल माफ नहीं किए थे, किसी ने क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम नहीं लाई, हमने शुरुआत की। जिस वक्त कर्जा के ऊपर हमारी आगे लोगों की वर्डन आ गया कर्जे का, कर्जा इतना चढ़ गया कि उनके क्योंकि उनका दाम प्रॉपर मिलता नहीं था, उनकी जो लागत ज्यादा हो जाती थी और पंजाब के लोग सोचते थे जिनको इनको तो जरूरत नहीं, इनकी थोड़ा सी खरी खड़ी है, दी खड़ी है, वो किस कॉस्ट पे खड़ी है, क्या क्या बेचा है, क्या क्या लगा है, वो खुद देखते थे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैं उस वक्त स्टेट की प्रेसिडेंट थी, सोनिया गांधी जी और इंडिया के प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह जी सरकार के हेड थे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मनमोहन सिंह जी से हमने सारे स्टेटों का जो कर्जा माफ कर रहे थे उन्हें पंजाब का भी माफ करने के लिए बुलाया। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने एज प्राइम मिनिस्टर हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया दिया कि नई नई स्कीमें लाई जाए। और उसी तरीके से ही हमने जैसे कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन आज क्या करना चाहिए आपने पूछा, हमने शुरुआत कर दी थी डाइवर्सिफिकेशन की थी कि अच्छी क्रॉप छोटी क्रॉप जिसमें खर्चा कम होता है, लागत कम होती है, मेहनत कम होती है और दाम ज्यादा मिलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे थे। हम आज वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर बहुत नीचे चला गया, हमारा जो है जमीन का पानी नीचे चला गया, इसका बहुत बुरी बीमारियां भी जमीन को लग रही है, इसके लिए भी हमने शुरुआत उस वक्त की थी कि इस पानी को सेव करके हम ऐसी फसली क्रॉप दें जिसमें हम कम पानी यूटिलाइज हो, वो भी उस वक्त हमने इंट्रोड्यूस किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इसलिए से आपने पूछा कि ये तो हमने किया था, जो मैं कह रही थी कर्जे की माफी हुई थी, यूनिवर्सिटी को पैसा दिया था, डाइवर्सिफिकेशन की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, ये था। आज भी हम इसमें जो सोच रहे हैं कि हमारी जो पॉइंट है किस तरीके से डिजाइन जिसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट ट्रे की जाए, इसमें खर्चा कम, लागत कम, टाइम कम, मेहनत कम। और जैसे आज प्रॉब्लम हमें आ रही है इस कोरोना के वक्त में ऊपर हमारी लेबर चली गई है, लेबर नहीं मिली, हमारे लड़के तो बाहर लेबर करने गए हैं, बाहर मुल्कों में थे, हमारी लेबर अपनी स्टेटों में चली गई है। इसमें जो हमने सीधी बिजाई की काम शुरू किया है डायरेक्ट तो नहीं, उसमें हमारे जो सारे बैग कम से कम जैसे हम कहते हैं कि इसकी इजी लिफ्टिंग भी हो जाती है, इसके ऊपर खर्चा भी कम आता है, इससे भी हमें इसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और गवर्नमेंट आज किसी की भी हो, मैं इस बात पर नहीं जाती जिसकी गवर्नमेंट है, ना ही मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कह रही हूँ, मैं समझती हूँ कि उनको एक ही पैटर्न ही सारे देश के लिए बनाना चाहिए। सम स्टेट्स आर ईटिंग द फूड, सम स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग द फूड, तो हमें इस बात को सामने नजर रखते हुए हमारी स्टेट कोई इंडस्ट्री वालों की स्टेट तो नहीं है, हमारे में कोला तो नहीं है, हमारे में लोहा तो नहीं है, हमारे में तेल तो नहीं, मतलब खेती है एग्रीकल्चर लिया ना, तो इसके लिए जैसे इंडस्ट्री के लिए स्कीमें बनती हैं, जैसे किसी और स्टेटों के लिए कि उनका कैसे बढ़ावा किया जाए, कैसी मदद की जाए, इस एग्रीकल्चर के लिए भी पंजाब के लिए स्पेशल स्कीम ना करें। अच्छा। इनको जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इनको दे रही हैं अपना ज्यादा, इनको रियायत दे रही हैं, इनको सब्सिडी दे रही हैं, हमको एमएसपी पे दे हुए हैं, एमएसपी भी हमें पूरा मिल रहा था, हमें कितनी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, हमें जो कुछ भी लेने के लिए हमने फूड स्टोरों में कैसे रखना है, क्या करना है, ये सब कुछ तो इसलिए मैं समझती हूँ कि स्टेट के लिए एक स्पेशल एग्रीकल्चर स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज और स्पेशल जैसे कहते हैं एक डिजाइन, एक उनको कैसे करना है पैटर्न ऐसा तैयार किया जाए जिससे देश कभी भूखा ना मिले। आज ऐसे जैसे लॉकडाउन हुए सब हुए हैं तो ये इलाज अगर परमात्मा ना करे, हम सब समझते हैं हमारी बहनों की कोशिश है, हमारे बच्चों की कोशिश है, तो हमारे देश के लोगों की दुनिया के लोगों की कोशिश है परमात्मा हमें इससे बचाए। तो हम समझते हैं कि किसानी को बचाने के लिए जैसे हमने मैंने 2-3 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, इनका लोन है जो उसको आगे किया जाए, इनके जैसे एमएसपी या पूरा दिया जाए, इनको दूसरी स्टेटों में अभी जो थोड़ा काम रहे हैं हमारी स्टेट में शुरुआत की है, अगर उनकी क्रॉप इधर कुछ लोग समझते हैं कि हमें ही देंगे, हम इसको जिस वक्त मर्जी वो भी ज्यादा
महंगे नाम नहीं देंगे, सस्ते दामों में देंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है, किसी स्टेट में नहीं जा सकता है, ये बातें होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, व्यापार जहाँ पे होते हैं बिल्कुल जाकर के काम, ये बातें हैं जो कुछ आज करने की जरूरत है सरकारों को, अपने आप देश को उठाने के लिए, अपने स्टेट को उठाने के लिए, किसी स्टेट में जैसे हम कहते हैं कि खाने के नाच की महारत है, किसी में तेल मिलता है, किसी उनको ऐसी देश नहीं ले, अभी जैसे पहाड़ी इलाकों को ये कुछ जैसे दी है, जो भी पहाड़ी हिल्स वाली स्टेट है, जो कश्मीर गोरमा से हो, उसकी जरूरत नहीं करते, मैं कहती हूँ कि उनको इसलिए कि वो हिल्स वाली स्टेट है, वो वीक है, फिर हम भी तो बॉर्डर स्टेट हैं, पंजाब भी तो एक बॉर्डर स्टेट है, हमारे लिए ये मित्र क्यों किया गया है, हमें भी इंतजार किया कि हमारी एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री आए, बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी स्कीमें हैं एनिमल हस्बेंड्री की स्कीमें उनको हमें देना है, तो सिर्फ कल्ली तंग पैदा करके हम देश का पेट तो शायद भर सकें, आपका और अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते, बिल्कुल इस बात का ख्याल हमें आपको कार्य करना चाहिए, जिसके बारे में आपको कह रहा था। थैंक यू सो मच भट्टल जी, थैंक यू फॉर दीज अमेजिंग सजेशंस, थैंक यू सो मच, जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर, हां जी, एक बात मैं और आपसे पहले, सॉरी टू से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मुझे तो चार घंटा पता था सब अपनी बच्चियों की अपनी बहनों की बातें सुन, लेकिन क्योंकि मेरे ऑलरेडी शेड्यूल बने हुए थे जिसमें मैंने निकाला था कुछ समय, अगर आप चाहें तो मुझे आपको जाने से, मेरे दूसरा जो बेटी का रखी है वो बड़ी वेट कर रहे हैं, देखते हैं जो आप बोलता है कब आपकी मैडम, तो मैं आपको सबको बेस्ट विशेष देते हुए आपके लिए, थैंक यू भट्टल जी, प्लीज वापस आने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारी बाकी बहनों की भी राय जानने में, तो प्लीज वापस आइएगा भट्टल जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू भट्टल जी।